हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नए टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस पे मैं क्वेश्चंस लाया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस हैं, विद इन सेकंड्स जो ट्रिक है, विद इन सेकंड्स उसको कैसे हल किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स कैसे हल किया जाता है। बोल रहा है, अ मैन सेल टू बुल्स ₹9327 ईच, इन द एंड ही गेट नो प्रॉफिट और नो लॉस। If he get 16 2 by 3% profit on first, then how much loss percent he get on second? मतलब साफ है, maximum questions जो है इस तरह के students बोलेंगे, क्योंकि no profit no loss पे है तो उनका answer सीधा ये होगा, जबकि ये answer हमारा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 16 2 by 3% इसका fraction होगा 1/6, ठीक है? तो fraction से हम साफ जो है अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस इसकी बुल की 6 है और ए के फायदे पे सेलिंग प्राइस 7। इज दैट क्लियर? साथ ही में क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि दो आइटम्स बेची गई हैं और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब दूसरा का सेलिंग प्राइस भी 7 है। अब क्वेश्चन में बोला गया पहला ₹1 के फायदे में बेचा गया है और दूसरा ए के नुकसान में बेचा गया है, मतलब सेकंड का कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹8 है। इज दैट क्लियर? सेकंड की कॉस्ट प्राइस ₹8 है, 8 मतलब ए ₹8 कॉस्ट प्राइस ए के नुकसान पे, तो 1/8 जो है फ्रैक्शन इसका परसेंटेज आ जाता है 12 1/2, तो 12 1/2 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है पहला आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा नो प्रॉफिट नो लॉस है तो पहला आंसर ठीक रहेगा, लेकिन नहीं, 12 1/2% इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन हम इसी तरह का करेंगे फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन ये है, अब जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, हमने ये जो चीज है इसको हमने नहीं देखना है, हमने सीधा यहां आ जाना है। इज दैट क्लियर? 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, मतलब 20/100 कितना हुआ, इज इक्वल टू 1/5, यही फ्रैक्शन आई ना, 20/100 इज इक्वल टू 1/5, मतलब ₹5 कॉस्ट प्राइस होगी, ₹5 कॉस्ट प्राइस ए के प्रॉफिट में, मतलब सेलिंग जो सेलिंग प्राइस है वो 6 है। अब क्वेश्चन में बोला गया है दो गोट्स बेचेंगी और दोनों सेम सेलिंग प्राइस, मतलब अगर इसका 6 है तो इसका भी 6 है, लेकिन पहले का प्रॉफिट 1 था ए के प्रॉफिट में और दूसरे का 1 के नुकसान में, मतलब एक का नुकसान का ये मतलब है इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹7 होगी। इज दैट क्लियर? 7 कॉस्ट प्राइस, मतलब एक का नुकसान 1/7, तो 1/7 फ्रैक्शन कितने परसेंट के बराबर होता है, 14 2/7, तो सेकंड चॉइस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल ट्रिक, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाली रकम उठा लेनी है, इसकी फ्रैक्शन निकालनी है, तो डिनोमिनेटर जो होगा वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और उसमें जो न्यूमिनेटर प्लस होकर उसकी सेलिंग प्राइस, दूसरा भी सेम सेलिंग प्राइस पे, मतलब 6, पहले का 1 का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे का लॉस हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस 7 होगी, तो 1/7 14 2/7 इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द सिंपल ट्रिक एंड क्विकेस्ट ट्रिक, विद इन सेकंड्स आप इन तरह के क्वेश्चन जो है चुटकियों में हल कर सकते हैं। एक और हम एग्जाम्पल लेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब अगेन हमने यहां नहीं देखना है, हमने ये चीज नहीं देखनी है, हमने सीधा यहां आ जाना है। इज दैट क्लियर? हमने सीधा यहां आ जाना है। 14 2/7% ये कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/7। इज दैट क्लियर? 1/7 डिनोमिनेटर, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 7, और इसने 1 के प्रॉफिट में 8 में बेचा, ठीक है, मतलब दो आर्टिकल्स सेम प्राइस में, मतलब 1 8 में तो दूसरा भी 8 में, पहले में 1 का प्रॉफिट आ गया दूसरे में 1 का नुकसान आ गया, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹9 है, कॉस्ट प्राइस ₹9। इज इट क्लियर? ₹9 मतलब 1 के नुकसान में 1/9 इज इक्वल टू 11 1/9%, मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, क्विकेस्ट ट्रिक, आप इन ट्रिक्स की हेल्प लेकर कोई भी कंपटीशन हो प्रॉफिट एंड लॉस के विद इन सेकंड्स आप हल कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।